नमस्कार करै छी, प्रणाम करै छी, बार फेनो से स्वागत या सब मैथिलीवासी के अपन चैनल एचआर फॉर यू में नवका आ लेटेस्ट वीडियो के संग। तो विद्यार्थी, आज फेनो हम लोग आयल छी अहाँ लेल मैथिली के चैप्टर नंबर 20। चैप्टर धीरे धीरे दऽ रहल छी, एक एक दिन दो दिन नागा करके किया के लाइवो क्लास दऽ रहल दिए, आ ओकरा बाद से एहि वीडियो के बाद से फेनो अहाँ के लगातार जे छै नन हिंदी के चैप्टर मिलत। ठीक है, तो यदि अहाँ चैनल पर नवका छी, चैनल के सब्सक्राइब कऽ लेबै, बेल आइकन के हिट कऽ लेबै, अगुलका वीडियो के नोटिफिकेशन अहाँ के समय अनुसार भेटाई। और अहाँ चाहे छी कि नन हिंदी या मैथिली में 95+ के सपना देखे छी, हमारा चैनल से जुड़ जाइए, अतः से यहाँ 95+ के सपना साकार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद करे हम पढ़े के शुरू करे। देखियो चैप्टर के नाम क्या, आके वंदना चैप्टर के नाम, यह कथी वंदना चैप्टर नंबर कतेक छे, 20 चैप्टर नंबर छे। रचनाकार के छथिन विद्यानाथ झा विदित, याद रखे क्या आके वंदना शीर्षक के रचनाकार के छथिन, तो विद्यानाथ झा विदित जे छे वंदना के रचनाकार छे। चैप्टर नंबर अहाँ के 20 यो, तो पहिने जे छे हम अहाँ के विद्यानाथ झा के विदित के विद्यानाथ झा विदित के से बायोग्राफी जीवनी पढ़ा दै छी, अतः लिखने छी इम्पोर्टेंट VBI जे सिलेक्टेड छे, अतः हम निकाल लेने छी जतय से ऑब्जेक्टिव रहत अहाँ के। ओकरा बाद जे छे वंदना कविता जे छे से हम एक्सप्लेन कर देब अहाँ के, आ संपूर्ण सारांश संक्षेपण टोटल चीज अहाँ के कम्प्लीट भऽ जायत, ऐसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा भऽ जायत। ठीक है, चलियौ पहिने हम पढ़ै छी। देखियौ विद्यानाथ झा विदित मैथिलीक जानल मानल रचनाकार छथिन, ई विद्यानाथ झा विदित छै मिथिलांचल में मैथिली के जानल मानल रचनाकार छथिन, ये फेमस राइटर छथिन जे मिथिलांचल के मैथिली के जे बड़ प्रसिद्ध छै, लोग हिनका जानै यऽ। जन्म जे छै 5 जून 1942 में भेलै, कहिया याद रखे के 5 जून 1942 में दरभंगा जिला का मौहार गांव में भेले। कौन गांव में, जिला छले दरभंगा, आ गांव के नाम की छले मौहार, याद रखे दोनों चीज, दरभंगा जिला छले मौहार गांव के नाम छले। क्लियर या आगे देखे छी, ई जे छै मैथिली में MA कैलिन, MA बुझे छिए जकरा मास्टर ऑफ आर्ट्स कहल जाइ छै, कोन विषय में, मैथिली में MA करने छथिन मास्टर ऑफ आर्ट्स। ओकरा बाद से जे PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कैलिन, दुनू MA आ PhD। ओकरा बाद जे संताल परगना कॉलेज, कथी याद रख गया, संताल परगना कॉलेज दुमका में मैथिली को प्रधान अध्यापक विभाग अध्यक्ष भेले, याद रखे गया कि PhD कला के बाद जे छे से संताल परगना कॉलेज दुमका में मैथिली प्राध्यापक पहिने हेडमास्टर HM के करल जाइ छै प्रधान अध्यापक। ठीक है, ओकरा बाद जे छै विभाग के अध्यक्षो भेले सेहो। ठीक है, विभाग के अध्यक्ष भेले, विभाग अध्यक्ष भेले। क्लियर या ओकरा बाद कहै छै ओही कॉलेज में प्राचार्य पद पर कार्य करैत सेवानिवृत्त भेले, आ फेनो कोन कॉलेज में, संताल परगना कॉलेज छलै, परगना कॉलेज वह कॉलेज से जे छै प्राचार्य पद हेडमास्टर HM के कार्य सेवानिवृत्त भेले, यानी ओते से जे छै हेडमास्टर बनि कऽ अंत में सेवानिवृत्त जे भेले तऽ हेडमास्टरे छलै सेवानिवृत्त के समय। ठीक है, आगा कहियो विद्यानाथ झा विदित गत शताब्दीक, गत यानी पिछलका शताब्दी सँ सातम दशक में, पिछलका शताब्दी सातम दशक यानी 1970 कहल जा सकै छै, है ना, हाँ 70 दशक में साहित्य रचना प्रारंभ कैल, यानी सातम दशक, एक दशक बराबर 10 साल होइ छै, तो सातम दशक बराबर जे भऽ गेल अहाँके 10 × 7 = 17, 70 भऽ गेल, तऽ 1970 से हिनकर लेखन प्रारंभ छै। ठीक है, ई कविता कथा उपन्यास निबंध समीक्षा सब विधा में लिखने छथिन, याद रखिए क्या कथी कथी लिखने छै, तो कविता लिखने छै, कथा लिखने छै, उपन्यास लिखने छै, निबंध लिखने छै, समीक्षा सब विधा में लिखने छै, आ हिनकर कुल 20 प्रकाशित पोथी छै, पोथी किताब के कहल जाइ छै, तो हिनकर विद्यानाथ झा के प्रकाशित पोथी कतेक छै, 20, लगभग कमोबेश 20 पुस्तक जे छै हिनकर जे प्रकाशित छै, मार्केट में छपल छै, बिक रहल छै, चलि रहल छै। ठीक है, याद रखे क्या कि जी हम दे रहल छियै ना, तो कविता कथा उपन्यास निबंध समीक्षा सब ऑब्जेक्टिव में पूछत तो फिर अहाँ बिसर नहीं जेबे। ठीक है, ओकरा बाद कहिया मैथिली में मैथिली ओ संताली हिनक महत्वपूर्ण अवदान अछि, कथी मैथिली ओ संताली अछि हिनक महत्वपूर्ण अवदान छै के, उपन्यास बहुरिया, कथी नाम से उपन्यास जे लिखने छै बहुरिया, प्रालबद्ध कौशल्य मिथिला मिहिर, जैसे भी कथी के नाम छै हिनकर उपन्यास छै, उपन्यासो लिखने छै बहुरिया, प्रालब्ध है ना, ओकरा बाद कहियो कौशल्या, आ मिथिला मिहिर जे छै हिनकर कथी के नाम छै, याद रखे के उपन्यास के नाम छै। ठीक है, ओकरा बाद जे छै हिनकर एकटा कथा संग्रह छै, कथी नाम छै कथा संग्रह, कथा संग्रह के कथी नाम छै फूटल चूड़ी, की याद छै
फूटल चूड़ी जे छै विदित विधान झा विदित के जे छै कथा संग्रह के नाम कथी छै फूटल चूड़ी छै। तऽ ई जे छलै हुनकर जीवनी छलै बायोग्राफी छलै। तऽ फटक से पहिने आप एकर स्क्रीनशॉट लऽ लियो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट भऽ गेलै, ओकरा बाद हम अहाँके जे पढ़ा रहल छियै वंदना ककरा कहल जाइ छै, वंदना कथी छै, बड़ इम्पोर्टेंट चैप्टर छै, एहिसँ बेसी ऑब्जेक्टिव रहत, ठीक है। तऽ चलियौ हम फटाफट अहाँके वंदना के एक्सप्लेन करै छियै, ठीक है। चलियौ तऽ बुक लऽ लियौ, यदि अहाँ जोड़े बुक छै तऽ बुक लऽ लियौ, चैप्टर नंबर 148 छै, मैथिली अरिपन मैथिली छै, कक्षा 10th के छै, ठीक है। तऽ हम अहाँके एक्सप्लेन करै छियै वंदना, चैप्टर पेज नंबर 41, देखियौ 148 छै, देख लियौ, ठीक है। चलियौ तऽ हम अहाँके एक्सप्लेन करै छियै, ठीक है। की कहैय, हित हित बलिदान होबक सौ समुज्ज्वल कर्म, समुज्ज्वल के चमक होइ छै, यानी कि हित हित बलिदान होबक सौ समुज्ज्वल चमक, हम अपन जे चमक से जे छै समुज्ज्वल से बलिदान दऽ देबै। बलिदान के अर्थ होइ छै अपन जे जान के दान में दऽ दे के बलिदान कहल जाइ छै। मातृभूमि वंदना से श्रेष्ठ पावन कोनो धर्म नहीं। तऽ आब देखियो वंदना जे छै कथी छै, एकटा पावन धर्म छै, पवित्र धर्म, कथी छै, पूजा छै। और वंदना से कोनो पवित्र श्रेष्ठ महान धर्म नहीं छे, वंदना एकटा हमर धर्म छे। जही धरती पर जनक के दीपक ज्ञान विवेक के लिए, आइ पृथ्वी के कहे छे, पृथ्वी के जे पूजा करे छे ओनाहिते नहीं करे छे, कहे छे कि वंदना जे छे ऐसे बड़का धर्म कोनो नहीं छे। यह पृथ्वी मिथिलांचल के पृथ्वी, जे पृथ्वी पर हम रहे छिए, जही धरती पर जनक के दीपक ज्ञान मिले, राजा जनक, कौन राजा जनक, सीता भगवान जी के पिताजी छलो, ठीक है। सीता जी के पिताजी, हुनकर जन्म भेले, हुनकर विवेक सद्बुद्धि भेले, आ हुनके से जे छै मिथिलांचल के चमक सौंसे संसार में चमक गेले, जे आज हमर मिथिलांचल मिथिला पेंटिंग के वजह से सौंसा विश्व में जानल जाय छै। आ क्लास 8 के सरकारी स्कूल के बुक में एकटा चैप्टर के नाम छै मिथिला पेंटिंग नाम छै, ठीक है। तो जे छै मिथि जे छै जनक, राजा जनक के जन्म भेले एतऽ, ओकरा बाद कहैय याज्ञवल्क्य, तऽ याद रखे के अहाँके एतऽ हम दे रहल छियै, एक नाम भऽ गेल अहाँके जनक जी का, ठीक है। ओकरा बाद याज्ञवल्क्य अमित तेज का भेल हो अभिषेक, दूसरका नाम भेले याज्ञवल्क्य, दूसरका नाम कथी भऽ गेलै याज्ञवल्क्य, यानी पहिने तऽ जनक जी के जन्म एतऽ भेलै विवेक सद्बुद्धि भेलै, ओकरा बाद याज्ञवल्क्य अमित तेज भेल हो अभिषेक, अतः याज्ञवल्क्य जनक लेनिन हुनकर जे छै अभिषेक भेलै। राजा अभिषेक ककरा कहल जाइ छै, जे राजा के सम्पूर्ण मुकुट पहनायल जाइ छै, राजा बनै छै, तऽ याज्ञवल्क्य के जन्म इएह मिथिलांचल के धरती पर भेलै, ठीक है। दू गोटा के नाम एतऽ लिखै छै, ऑब्जेक्टिव मे रहै छै, जाहि ठाम माटी सुमृतीय पानी स्मृति रहै छै। अब देखियौ के यऽ कि जै ठाम के पानी जे छै से वेद है ना, विधान पोथी जे मनुस्मृति में लिखल छै कि मिथिलांचल के जे छै, मिथिलांचल के भूमि पृथ्वी जे छै पवित्र भूमि छै, पानी स्मृति रहल छै, यानी कि पोथी जेना मनुस्मृति जे छै ना, विधि विधान के, विधि के विधान के बाद पृथ्वी हमर विधि के विधान के रचल छै। वायु केर सिंह की ऋचा में घर आंगन से बहुत छे, है ना, ऋचा में ऋग्वेद मंत्र सा, वायु कथी से बनले, ऋग्वेद के एक मंत्र से जे छे घर आंगन में, वायु केर सिंह की ऋचा में, ऋग्वेद के मंत्र से वायु के उपज भले आ घर आंगन में बहल उपाय में बहल होइ छे, यानी वह हवा जे छे है ना, वायु जे छे हमरा घर में जे छे एना पसरै छे, लगै छे, सौंसे हृदय के संसार के जे छे संतुष्टि प्रदान करै छे, ठीक है। तो ऋचा में जे छे मनुस्मृति के कहल गेल, ठीक है, ऋचा में जे छे ना ऋग्वेद के मंत्र युक्त जे कहल जाइ छे, ठीक है। तही भूमि का अर्चना श्रेष्ठ दोसर धर्म नहीं, से भूमि से श्रेष्ठ कोनो धर्म हेते। सबसे बड़का पहिने हमर मिथिलांचल विद्यार्थी के, मिथिलांचल के लोक के संस्कृति कथी छै, पहिने पृथ्वी के पूजा करै छै, या पृथ्वी हमरा अन्न दै छै, या पृथ्वी हमरा जल दै छै, या पृथ्वी गाछ वृक्ष पेड़ पौधा दै छै, जैसे हमर संसार हमर जीवन सुखमय होइ छै, हम सांस लै छियै, तो एहि पृथ्वी से बढ़ के हमरा कोनो धर्म नहि भऽ सकैया, ठीक है। और अर्चना पूजा पृथ्वी के करबक चाही। अच्छे अयाचिका दुभि आसन में विलम विमल मृग चरम, की कह हिरण के छाल के मृग चरण कहल जाए, विमल के स्वच्छ निर्दोष कहल जाए, कि ता हमी अर्चना श्रेष्ठ दोसर धम नहीं। अच्छे अयाचिका दुमि आसन है ना, विमल मृग चरण यानी हिरक छाल का, विमल के अर्थ होइ छै निर्दोष, यानी कि अइ हिरण के छाल क अच्छी अच्छी याचिका दूध आसन में विमल मृग छन, यानी कि निर्दोष मृग से, हाँ, हिरण के छाल का मृग छन कहै छै, से जे
आसन विमल मृगचार के हिरण निर्दोष के कहल जाए छे, जे एहि पृथ्वी पर निर्दोष लोग रहे छे। खेत में उपजल जत श्री, अब याद रखे किया, खेत में उपजल जते श्री स्वयं धी बनी जानकी। जानकी ककरा कहल जाए छे, माँ जानकी सीता जी का माता के नाम छे माँ जानकी, ठीक है। वह कहे छे कि खेत में उपती जते श्री स्वयं धी बनी जानकी, जाहि ठाम कुल बधु बनी पूजित छाती भारी। आ कुल बधु है ना, जही ठाम पे जे छे धी के अर्थ होइ छे बेटी, है ना। खेत उपजी जाय श्री स्वयं बनी धी जानकी, जते जानकी के पुत्र भेले सीता जी जन्म भेले पुत्री, जहि ठाम कुल बधु बनी पूजित छथिन भारती। आ कुल बधु बन के ककरा पूजल जाय छे, सीता भगवान के पुत्री छले, है ना, जनक जी के, है ना, जानकी जी के पुत्री छले, हुनका पूजा अर्चना होइ छे। एक स्त्री छे, एक स्त्री के पूजा होइ छे। कतऽ होइ छे? मिथिलांचल की धरती पर। आ मिथिलांचल में हुनकर जन्म भेले, ओहि लऽ कहै छे कि आइ हमर पृथ्वी से बड़का कोनो धर्म छे, मातृभूमि से बड़का कोनो धर्म नहीं भऽ सकै छ। जाहि भूमि कवित अपरूप, कंठ में कोकिल बसे छे, इएह धरती छे, है ना। जहि भूमि कवित अपरूप, इएह भूमि में कविता के अपरूप, कंठ में कोकिल बसे छे। कोकिला जे कहै छे, कोकिल कोयल के आवाज, मधुर आवाज, इएह भूमि से जे कंठ में कोकिल बसे छे, मधुर गान गाबे छे, मधुर आवाज निकले छे। जहि भूमि में शैव कवि सो गेल रामायण रचल हो। आ इएह भूमि से शैव ककरा कहल जाए छे? शिव भगवान के शैव कहल गया है, याद रखे क्या, शैव शिव के उपासक के शैव कहल जाए छे, ठीक है। तो कहे छे कि जहि भूमि शैव कवि सो गेल रामायण रचल हो। आ इएह भूमि छे, इएह भूमि से रामायण रचल, महाभारत रचल। रामायण कथी छे? हमर हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ छे, है ना, हमरा लेल पवित्र ग्रंथ छे। वो कह जा कि गेल रामायण रचल, यह पृथ्वी छे जे पर रामायण के रचिता भेले। ओकरा बाद कह ताहि भूमि चित्र सब बड़ी आर दोसर यंत्र की। जब इस पृथ्वी पर राजा जनक के जन्म भेले, शैव के उपासक भेले, अन्न दै छे, सीता भगवान के जन्म भेले, तो ताहि भूमि चित्र सब बैठ कर आ दोसर यंत्र की। आई भूमि से बैठ के दोसर यंत्र की हेतै? दूसर का मशीन, दूसर का यंत्र किछु भऽ सकै छे? मशीन हमरा किछु किछु चीज दै छे, पृथ्वी तऽ मशीन छै न, पेड़ दै छै, अन्न दै छै, भगवान दै छै, जल दै छै, बहुते चीज दै छै हमरा ई पेड़। साधना में भूमि बड़ी साधन करे मंत्र, यानी साधना के भूमि से बैठ के जे छै हमरा साधना में भूमि बढ़ साधन करे मंत्र की। यह पृथ्वी छे, यह पृथ्वी लेल जे छे हम साधना करे छे, मंत्र गावे छे, मंत्र कहे छे। जही भूमि भैरवी के कर सुरभोवित खड हो, है ना। और कहिया कि जही भूमि भैरवी के कर सुशोभित खड हो, शिव जकर चाकर स्वयं भूमि स्वरूप ही स्वर्ग हो। शिव स्वयं अतः आबे छे, यह पृथ्वी छे। शंकर भगवान के कहल जाइए, चैप्टर पढ़ने छे कि शंकर भगवान के जे छे कहे छे कि अहाँ खेती करियो, खेती करके अन्न उपजाइयो, अपन जीवन के काटियो। मिक्ष में स्मृति अतीत बाल बोधक ठोर पर, तही भूमि चरण भावी केने प्रगति छोड़ पर। इएह पृथ्वी छै जे पृथ्वी पर, ई पृथ्वी हमर अन्न दै छै, है ना, सौंसे संसार के लोग अपन जीवन यापन करै छै। मातृभूमि माटी से बैठ के श्रेष्ठ आ दुलार के, आइ हमर मातृभूमि ऐसे श्रेष्ठ दुलार आ प्यार केकरा हेतै? आ माटी, ई माटी हमरा बहुते कुछ दैया। जन्मभूमि निमित शीशक दान से लघु आर की। आ की कहिया कि जन्मभूमि ओहि भूमि जे हमरा जन्म दै छै, जन्मभूमि निमित शिष्य का दान सा लघु आर की, यानी कि जन्मभूमि से बहर का हमरा आर की हेते। जे भूमि हमरा जन्म दे छे, ओ भूमि से बहर के हमरा लेल किछ नहीं हो सके। कुल मिला के ये धरती के बारे में कहल जाए छे या कि ई धरती जे छे सबसे महान धरती छे। आ ई धरती में जे छे जनक के जन्म भेले मिथिलांचल पे, याज्ञवल्य के जन्म भेले, शैव के जन्म भेले, ई शैव के जन्म नहीं भेले, शैव सीता, आ जकरा सीता के पूजा कहल जाइ छै। ई पृथ्वी जे हमरा अनाज दै छै, ई पृथ्वी हमरा जल दै छै, पेड़ पौधा दै छै, ठीक है। पृथ्वी हमरा लेल बढ़ है, बड़ उपयोगी छै। ओहि लए कहै छै कि वंदना, वंदना के की अर्थ होइ छै कि एही वंदना जे हमरा एहि पृथ्वी से, वंदना से बढ़ के कोनो धर्म नहीं हो सकै छै। हमरा ई धरती के पूजा पाठ करबाक चाही, हमरा ई धरती के सुंदरता के संसार के लोग के बचाबे के चाही, ठीक है। अब देखियौ एक ऑब्जेक्टिव छै, वंदना कविता रचयिता के छथिन, तऽ पढ़ेने छियै, विधानाथ झा विदित छै। ओकरा बाद विधानाथ झा विदित की रचना कथी छै, तऽ वंदना रचना कयने छै। ताहि भूमि अर्चना श्रेष्ठ पावन धर्म नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स। मातृभूमि वंदना से श्रेष्ठ पावन कोनो धर्म की। मातृभूमि माटी से बैठ के श्रेष्ठ, मातृभूमि पावन से बैठ कर अतः देने छे श्रेष्ठ आर दुलार प्यार की, है ना, आर दुलार की, ककरो दुलार नहीं होइ छे। वंदना किनकर कविता छे, तो अहाँ के लिखे के वंदना विधानाथ झा विदित के छे, है ना। पठित पाठ में वंदना के आ की सभी अछे,
है ना, वंदना के वंदनीय के आकी सभी छे, पठित पाठ में कविता कहबा के उद्देश्य की छे, मातृभूमि वंदना श्रेष्ठ धर्म थी के किया, आ पठित पाठ में वर्णित देवता का नाम लिखू, देवता दो तीन टा के देवता के नाम कहने छे, ओकरा बाद लॉन्ग टाइप छे, वंदना शीर्षक कविता के वर्णन करू। तो हम से तो अब जे दू नंबरी जे छे चैप्टर वाइज पढ़ा रहल छी, तो ओहि चैप्टर में प्रत्येक छे ओहि लेल नहि पढ़ा रहल छी, एहिमे ऑब्जेक्टिव खाली क्लियर कर दै छी, लॉन्ग टाइप नहि पढ़ाबै छी चैप्टर में, किया कि वीडियो लम्बा भऽ जायत विद्यार्थी नहि देखै छै, तऽ अलग से हम सब्जेक्टिव एक एक चैप्टर करके हम अहाँके दऽ देब, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा उम्मीद है कि प्रत्येक विद्यार्थी के समझ में आ गया इस चैप्टर नंबर 20, यदि समझ में आ गया तो कमेंट कर देवे कि सॉरी हमारा समझ में आ गया, यदि यहाँ और चैप्टर नहीं देखने चाहिए तो प्लेलिस्ट में चल जाइए, मैथिली 2025 लिखल छे ओतः से यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिले अगला वीडियो में यहाँ हंसी खुशी मस्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।